ये वीडियो है हाउ टू फिक्स वाईफाई इशू इन योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको वाईफाई का इशू आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं और अपना जो वाईफाई का इशू है वो फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो फर्स्ट स्टेप है, आपने क्या चेक करना है, जो आपका अगर आप कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई फिज़िकल वाईफाई का बटन है, तो अब मेक श्योर कि हमेशा ऑन होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टाइप के बटन होते हैं वाईफाई के। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें ये वाईफाई बटन है, फिज़िकल बटन है ये, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाईफाई का बटन है। तो मेक श्योर ये बटन आपका ऑन होना चाहिए। मेरे केस में भी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ डेल का, इसमें भी एक फ़िज़िकल वाईफाई का बटन है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, और अगर मैं फ़िज़िकल बटन जो है वाईफाई का, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, तो आप ये देखिए ये जो वाईफाई का सिग्नल है ये बंद हो गया है। अभी मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ, ये देखिए जो वाईफाई है फिर से इनेबल हो गया है और यहाँ पे ये मेरे वाईफाई मॉडेम से कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वाईफाई फिजिकल बटन होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपके लैपटॉप में वो है तो मेक श्योर कि हमेशा ऑन होना चाहिए। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, इस तरह के वाईफाई के बटन होते हैं, फिजिकल बटन, तो मेक श्योर ये ऑन होने चाहिए। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो फ्लाइट मोड आपका हमेशा बंद होना चाहिए, इनेबल नहीं होना चाहिए फ्लाइट मोड। अगर फ्लाइट मोड इनेबल रहेगा आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चलेगा। तो मेक श्योर आपका जो फ्लाइट मोड है हमेशा डिसेबल होना चाहिए और आपका जो वाईफाई है वो इनेबल होना चाहिए। जो सेकेंड मेथड है, आपने क्या करना है, अगर आपका वाईफाई में इशू आ रहा है यहाँ पे, तो आपने राइट क्लिक करना है और ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स पे क्लिक कर देना है। वो सारे ट्रबल शूट अप्लाई करेगा और जो जो इशू आप उसको लगेंगे आपके वाईफाई में है उसको यहाँ से सॉल्व कर देगा और जो भी एरर होगा यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है, आपने ये देखना है कि जो आपका वाईफाई ड्राइवर है वो इनेबल होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, नेटवर्क्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे चेंज एडेप्टर सेटिंग्स के अंदर, और मेक श्योर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जो मेरा वायरलेस है ये इस टाइम इनेबल है। इन केस अगर ये डिसेबल मोड पे होगा, आप देख पा रहे हैं इस अभी ये डिसेबल हो गया मेरा वाईफाई, यहाँ से ये देख पा रहे हैं इस तरह का आइकन आ गया इसका। तो मेक श्योर कि ये इनेबल हो हमेशा, जैसे इसको राइट क्लिक करके मैं इनेबल कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर लैपटॉप आपका सडनली शट डाउन हो जाए, उन केस में ये ऑटोमेटिकली डिसेबल भी हो जाता है आपका वाईफाई का ड्राइवर। तो अगर ऐसा है तो आप उसको इनेबल करके रखें। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो एंटीवायरस है वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको अपना एंटीवायरस चेक करना है, मैं तो अपने केस में मैं विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करता हूँ एज ए एंटीवायरस, जो विंडोज़ के साथ फ्री आता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा मैं, और ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा एंटीवायरस है वो इनेबल है और वो अप टू डेट है। अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं चेक फॉर अपडेट शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एंटीवायरस है वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे नॉर्टन हो गया, माई कैफे हो गया, एवीजे हो गया और क्विक हील हो गया, अगर आप कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर वो हमेशा अप टू डेट हो और आपका जो एंटीवायरस हो इनेबल हो। अगर एंटीवायरस आउटडेटेड रहता है और कोई वायरस आपके लैपटॉप में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जो इंटरनेट एक्सेस है वो बंद कर देता है कुछ कुछ केस में। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो एंटीवायरस है हमेशा इनेबल रहे। उसके बाद अगर आपका इंटरनेट जो वाईफाई है कनेक्टेड है और उसके बाद भी आपका नेट नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, आपको वापस कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवांस में जाके सारी जो सेटिंग उसको हम रिस्टोर कर देंगे और यहाँ से रीसेट वाले पे भी क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी इंटरनेट की सारी सेटिंग्स होगी वो रीसेट हो जाएगी। मैं रीसेट कर देता हूँ, एक बार रीसेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सारी जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो गई है और डिफ़ॉल्ट मोड पे आ गई है। और उसके बाद
आपने क्या करना है, अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो वाईफाई है वो आईपी एड्रेस तो ले लेता है पर तब भी नेट नहीं चलता, तो आईपी एड्रेस को रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आपको विंडोज़ आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है CMD। यहाँ पे CMD पर आप क्लिक करेंगे, CMD ओपन करने के बाद आपको जो कमांड लिखनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आपको यहाँ लिखना है IP config स्लैश रिलीज उसके बाद जो दूसरी कमांड है आपने लिखनी है IP config स्लैश रिन्यू और आप देख सकते हैं आपकी जो आईपी होगी वो पूरी रीसेट हो जाएगी इस कमांड के थ्रू। तो ये दोनों कमांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद भी अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं उसमें जाके वाईफाई की जो सर्विस है उसको इनेबल करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रन कमांड में जाएंगे आप। रन कमांड में जाने के लिए आपको विंडोज़ आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे आप RUN रन और यहाँ पे आपको लिखना है services.msc और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो सर्विस आपको इनेबल करनी है वो है वायरलेस ऑटो कॉन्फ़िग। ये देख सकते हैं इसको आपने इनेबल करना है। अगर मेरे केस में ऑलरेडी रनिंग है, अगर ये यहाँ पे आपका स्टॉप हो रखा है तो इसको राइट क्लिक करना है, आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, टाइप में आपने ऑटोमेटिक चूज़ करना है और इसको स्टार्ट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको स्टॉप करके दिखाता हूँ। अभी ये स्टॉप है और जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिक करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो जो सर्विस है आपकी वायरलेस की ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका वायरलेस ड्राइवर जो है वो इनेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नेटवर्क एडाप्टर में आप देख सकते हैं जो वायरलेस मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वायरलेस ड्राइवर मेरा इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। अगर आपके केस में अगर आपको ऐसा कोई आइकन आ रहा है, इस तरह का आइकन आ रहा है, तो इस केस में आपको अपना जो वायरलेस ड्राइवर है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको ये येलो आइकन अगर आ रहे हैं तो, मेरे केस में जो ड्राइवर है मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर आपको इस तरह का इशू आ रहा है, ये येलो मार्क आ रहे हैं ड्राइवर के अंदर, तो आपको नेट से जो आपका ड्राइवर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपको नेट से ड्राइवर डाउनलोड करना है उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपका मॉडल नंबर है वो क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ डेल का है और जो उसका मॉडल नंबर है वो यहाँ देख सकते हैं, लैटिट्यूड E5430 मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप। तो मुझे इसका जो ड्राइवर है वो नेट से डाउनलोड करना है, वाईफाई ड्राइवर। तो कैसे आपने डाउनलोड करना है, किसी भी लैपटॉप का ड्राइवर अगर आपने नेट से डाउनलोड करना है तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्राउज़र पे जाएंगे और जैसे मैं डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डेल ड्राइवर्स। उसके बाद जो पेज खुलेगा, जो फर्स्ट URL है इस पर आपने क्लिक करना है, इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने अपना जो लैपटॉप का मॉडल नंबर वो डाल देना है या फिर सर्विस टैग नंबर अगर आपके पास है तो वो डाल देना है आपने। तो मैं आपको अपना मॉडल नंबर डाल के दिखाता हूँ, लैटिट्यूड E5430 ये लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, ये मॉडल ये सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरा मॉडल आ गया। और यहाँ से मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लूँगा और यहाँ से आप कोई सा भी अपना जो ड्राइवर है, आपको जो भी डाउनलोड करना है वायरलेस ड्राइवर हो, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये जो ड्राइवर है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और यहाँ डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे तो
तो आपको जो ड्राइवर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप एचपी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको यही करना है, एचपी ड्राइवर्स लिखना है। ये इसका फर्स्ट वाला जो यूआरएल है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपने जाना है। उसके बाद आप लैपटॉप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो सीरियल नंबर है लैपटॉप का वो डाल देंगे, और वो डाल के सबमिट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लैपटॉप का ड्राइवर्स शो कर देगा। और इसी तरह आप जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका जो ड्राइवर आप नेट से इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो जो आपका जो वाईफाई है वो चलने लग जाएगा। इन केस अगर आपके वाईफाई में कोई हार्डवेयर इशू है और उसकी वजह से वो चल नहीं रहा, तो अगर उसको आपका अल्टरनेटिव उसका कुछ चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के वाईफाई मॉडम मिलते हैं। अगर आपका वाईफाई में हार्डवेयर इशू आ गया और वो फिक्स नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो वाईफाई अडेप्टर होते हैं वो नेट से परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर किसी शॉप से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो है ये क्वांटम का वाईफाई डोंगल है, इसको आपने सिंपली अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट करना है और आपका इंटरनेट है और वाईफाई है वो आपके लैपटॉप में चलने लग जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्राइसेस हैं, टीलिंक का थोड़ा जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, और अगर आपका बजट कम है तो आप जो क्वांटम वाला है ये भी परचेज़ कर सकते हैं, एज ए वाईफाई डोंगल काम करेगा आपके लैपटॉप के अंदर। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई का हार्डवेयर इशू आ गया तो मैं आप ये जो डोंगल है ये यूज़ कर सकते हैं वाईफाई के। ये जितने भी मेथड मैंने आपको बताए ये आप सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं और उससे आपका जो वाईफाई का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा।